नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल हिमाचली रेसिपी एंड गार्डनिंग में स्वागत है। आज की वीडियो भिंडी हार्वेस्टिंग और एक सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनाने की है। ये मेरी किचन गार्डनिंग की कुछ भिंडी है, तो चलिए पहले भिंडी तोड़ लेते हैं। भिंडी तोड़ते तोड़ते मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम सुनीता राणा है और मैं हिमाचल से हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ में ही रह रही हूँ। चंडीगढ़ में अभी मेरा छोटा सा घर है। चंडीगढ़ में मेरा बेटा पढ़ाई करता है, इसलिए अभी हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। हिमाचल में मेरा घर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। घर के आगे ही हमारी बिल्कुल थोड़ी सी जमीन है जिसमें हम किचन गार्डनिंग करते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी सब्जियाँ लगाई हुई है। ये मेरे भाई का बेटा है, इसका नाम एमी है। इसे मेरे साथ साथ सब्जियां तोड़ने का बहुत ज्यादा शौक है। इसका मन करता है कि हम लोग बैठ जाए और यही सारा काम करें। देखिए, इसको मेरे साथ साथ काम करना होता है। मेरे किचन गार्डन में बहुत सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। मैंने सारी भिंडी निकाल ली है। लेकिन मेरे क्यूटी पाई का मन अभी भी नहीं भरा है। अब ये फूल तोड़ने लग गया है। इसे अंदर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। ये फूल तोड़े जा रहा है। चलिए अभी हम सब्जी बना लेते हैं। भिंडियों को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे ऐसे काटा है। हम प्याज के सिंपल सी सब्जी बनाएंगे। इसमें मैंने बीच में खीरा लगाया है। कुछ सूखे मसाले बनाएंगे, जैसे धनिया, अजवाइन, कस्तूरी मेथी और जीरा। इन सबको भूनेंगे और इसको फिर क्रश कर लेंगे। अब इसे एक कटोरी में निकालें। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद ये हमने इसमें स्टफिंग थोड़ा सा मसाला भरेंगे। इसी तरह से मैंने अपनी सारी भिंडियों में मसाला भर लिया है। अब गैस में कढ़ाई रखें और उसमें तेल गर्म होने दें। इसमें जीरा डालें। जीरा जब भून जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसके अलावा इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। अब भिंडी को इसमें डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। कभी कभी भिंडी ऐसे बना के देखिए, सच में खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बिना अदरक लहसुन प्याज और टमाटर से। इसे लो फ्लेम में पकाएं और बीच बीच में मिलाते रहें। मेरी भिंडी बनके तैयार है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।